क्वेश्चन का स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स 3x माइनस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस 2y माइनस का 3z इज इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है, मतलब एक प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जो पासिंग थ्रू ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है, जहाँ पे दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से पासिंग हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका प्लेन फर्स्ट है और ये आपका प्लेन सेकेंड है। अब इसने बोला है कि जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो पैरेलल है इस लाइन के, मतलब ये वाला प्लेन हमारा पैरेलल है एक लाइन की, गिवन लाइन की, ठीक है जी। अब देखो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यहाँ पे हमारी अप्लाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्लेन, सॉरी प्लेन्स, क्या क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 4y प्लस का 5z इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस का 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन गिवन टू प्लेन्स। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी इक्वेशन, तो आएगा 3x माइनस 4y प्लस का 5z प्लस का लैम्डा टाइम्स 2x प्लस का 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 10 प्लस का 4 लैम्डा, ठीक है जी। अब यहाँ पे लैम्डा की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3x माइनस 4y प्लस का 5z प्लस का 2 लैम्डा x प्लस का 2 लैम्डा y माइनस 3 लैम्डा z इज इक्वल टू 10 प्लस 4 लैम्डा। अब यहाँ पे x को मोलेंगे तो आएगा 3 प्लस का 2 लैम्डा, यहाँ पे x, फिर y को मोलेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2 लैम्डा y प्लस का 5 माइनस 3 लैम्डा z इज इक्वल टू 10 प्लस 4 लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1, ठीक है यहाँ तक। अब इसका डायरेक्शन रेशो लिखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, तो a1 हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस का 2 लैम्डा, b1 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, c1 हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा। ये हमारे पास a1 b1 c1 आ गया। अब गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। अब यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन इसको कैसे निकालेंगे, लाइन का जो सही फॉर्मेट होता है वो तो ये होता है x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो ऐसी इक्वेशन में हम देखो क्या करेंगे, इसका x y z का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 1 2 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x by 6 इज इक्वल टू वाई बाई 3 इज इक्वल टू जेड बाई 2। अब इसका डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ गए a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है लाइन के, है ना जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉर्मल वेक्टर जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है लाइन के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a1 की जगह पे 3 प्लस का 2 लैम्डा और a2 6, b1 की जगह पे माइनस 4 प्लस का 2 लैम्डा इंटू में 3, c1 की जगह पे 5 माइनस का 3 लैम्डा और c2 की जगह पे 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे आएगा आपका 18 प्लस का 12 लैम्डा माइनस का 12 प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 10 माइनस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया 12 लैम्डा, यहाँ पे 10 माइनस का 12 हो गया माइनस 2, तो ये आ गया आपका 16, तो 12 लैम्डा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 4/3 आ गया, लैम्डा हमारा यहाँ से आ गया माइनस का 4/3। अब ये वैल्यू उठा के आपको एन इक्वेशन 1 पुट करनी है,
तो आएगा 3 माइनस का 8/3, एक्स प्लस का -4 और माइनस का 8/3, वाई प्लस का फिर यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 5 प्लस का 4 जेड इज इक्वल टू 10 और माइनस का 16/3। इसके एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 माइनस का 8 हो गया x/3। इसके एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का 20/3 वाई, ये आपके पास आ गया 9। जेड इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 30 माइनस का 16, 14/3। अब इसको और एक बार एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस का 20 वाई प्लस का 27 जेड इज इक्वल टू 40। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है,